चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है और आज मैं विश्वमनदीप आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूं और उसका नाम है चर्च की असलियत। इस प्रोग्राम में चर्च की असलियत में हम आपको अलग अलग ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपको बताएंगे चर्च की असलियत। और आज हमारे साथ है मांगीलाल। सबको जय मसीह की। और आज हम इससे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा हमारे लोगों को बताइएगा। हाँ, आपका जीवन पहले कैसा था, क्या हुआ था, क्यों आप चर्च में आने लगे? सो मैं बहुत सारा बीमार हो गया था। सो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। दिल की धड़कन बढ़ गई, धड़कन बढ़ गई थी दिल की। सो फिर मुझे दवा दब डॉक्टरों के पास लेकर गए। तो डॉक्टरों के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने ECG वगैरह की तो वो कहते हैं नॉर्मल है ये, वैसे कोई बात हो गई तो घबरा रहा है, मैं दवाई दुई दे देता हूँ, घर पे चले जाओ, ये ठीक है सब कुछ। तो मैं घर पर, मुझे ले आए तो घर पर आके मुझे वो ही बुरा हाल, मेरी फिर दिल की धड़कन हार्ट की बढ़ जाए। मैंने कहा ये मुझे अब क्या होगा, मैं तो मर जाऊँगा। मुझे तो ऐसे आत्मा में ऐसे फील होता था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा बस। हाँ जी, मैं मर जाऊँगा, मतलब मुझे अब कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस मुझे मौत दिखती थी। और जब आपको डॉक्टरों के पास लेकर जाते थे, हाँ जी, तो कितना समय आपको इलाज आपका करते रहे, कितने दिन, कितना टाइम तक आप यह बीमारी में रहे? सो मैं 3.5 महीने तक बीमारी में रहा। साढ़े तीन महीने तक मेरे को ऐसे डॉक्टरों के पास जाते रहे, अलग अलग डॉक्टरों के पास, अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर मुझे लेके जाते रहे। सो मेरा यही, मतलब यही हाल। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में बीमारियां बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो फिर किसी ने बताया कि तुम शानों के पास लेकर जाओ लड़के को, तो तभी शाने मतलब तांत्रिक, हाँ जी, जी तांत्रिक के पास लेकर जाओ, तो वहां पर अपने इसको दिखाएंगे, सो ये ठीक हो जाएगा। तो मुझे वहां पर भी लेकर गए, वो एक आधा तभी दगा बना के दे देते थे, कहते ये तू डाल ले, ठीक हो जाएगा, तू कुछ नहीं है, कहने तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये हमने ये पक्का तबीयत बना दी, अब तेरे को दुष्ट आत्मा नहीं परेशान करेगी। तो वो तबीज बनाते थे, हाँ जी। तो उसके बदले में क्या लेते थे? पैसे लेते थे मेरे से, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी कैसे, कभी कौन लेके जाता था तुझे? मम्मी, कभी पापा, कभी रिश्तेदार भी लेके जाते थे, कभी मैं। तो उस तबीज का क्या करते थे? तबीज गले में डालने के लिए दे देते, गले में डालते, गले में डालने के लिए दे देते थे कभी, और कभी कहते हैं ये बोतल है इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, उस पानी के अंदर हम तबीज डाल देते हैं, इसको तो गोल गोल कर पीते रहना। अच्छा, तो पानी के अंदर क्या करते थे? पानी के अंदर तबीज डाल देते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भी वो पानी, जो तबीज वाला पानी, उसको पीते रहना, उसको पीते रहना। तो पानी जो बोतल के अंदर क्या करते थे, तबीज डालकर वो कहते थे इसके अंदर हमारे पानी के अंदर अब तबीज डाल दिया है और इसको तो पीते रहना और तेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो ठीक हो जाएगी। हाँ। सो उसके बाद में मुझे बहुत सारी दिक्कत और ज्यादा परेशानी मेरे जीवन में बढ़ गई, बहुत सारी परेशानी बढ़ गई। तो फिर मुझे ऐसे लगता था अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे अब कुछ नहीं, मुझे मुझे बस मौत दिखती थी, मौत मौत मौत। आपको हमेशा ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊंगा? हाँ, बस मुझे ऐसे लगता था भी, मुझे बस मौत दिख रही है, मैं बस मर जाऊंगा, इस दुनिया में नहीं रहूंगा और मुझे अब कोई बचाने वाला नहीं रहा। फिर मम्मी और कहते कोई बात नहीं, तुझे दूसरे शाने के पास लेकर जाएंगे, उसके पास लेकर चलते हैं। तो मुझे वहां पर भी लेकर गए, सो उन्होंने नारियल वगैरह दिए, कहते ये खाते रहना तो ये इससे ठीक हो जाएगा तू। उन्होंने फिर तबीयत वगैरह धागा बना के दिया और जो सवा होती है चुंडी, वो कहते ये चुंडी खाते रहना तो इससे तो ठीक हो जाएगा। राख, राख, हाँ, हाँ। तो राख, उन्होंने उन्होंने राख दिए से, तांत्रिक ने, किसी ने राख दिए से कि ये राख खाते रहना, खाते रहना तो तेरी दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। तो राख खाते रहना तो दुष्ट आत्मा जो है वो भाग जाएगी। कोई तो पानी में तबीज घोल कर दे रहा है कि इसको पीने से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, किसी ने गले में दे दिया डाल लो इसको, और किसी ने कहा भी ये राख ले जा और ये बपूटी कहो या राख कहो, हाँ, तो इससे वो हो जाएगा, हाँ जी, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो ठीक हुआ फिर? नहीं, मुझे कोई फील नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आता, वहां से फिर ठीक होने लग जाता था। तो आधे 2 घंटे बाद फिर वही हाल, बुरा हाल। मैंने कहा मुझे तो कुछ होगा, मुझे तो कहीं और लेकर जाओ, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो और बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ या कोई और बड़ा। कितने तेरी बहनें कितनी हैं? मेरी 3 बहनें हैं। और भाई? भाई मैं एक ही हूँ, मम्मी पापा का। तो ये 3 बहनों का एक ही भाई है, घर का इकलौता ये लड़का है। तो घर के सारे रात को सो जाते, मैं जागता रहता, मुझे तो बस मौत दिखती थी, मौत 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 मौत, और मुझे कुछ नहीं दिखता था,
भी मैं ठीक नहीं हूँगा, मुझे ऐसे लगता था। मैंने कहा अब तो मैं सियानों के पास भी चला गया, अब तो मैं डॉक्टरों के पास भी चला गया, मेरे ना डॉक्टर की दवाई लग रही है ना मुझे मेरा कोई शाना कुछ कर पा रहा है, मुझे कुछ नहीं। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँगा। सो बहुत सारी फिर मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें बढ़ने लगी, मेरे पेट में दर्द होने लग जाना, फिर मुझे पीलिया हो गया था। तो फिर मुझे इधर हमारे गांव है बनवाली, तो उधर मुझे लेकर गए तो कहते तेरे धागा वगैरह करवाएंगे। तो कम से कम उसने 10 तवीत डाले मेरे गल में पीलिए के, पीलिए की जो बीमारी होती है, जी जी, उसको ठीक करने के लिए 10 तवीत डाले मेरे गल में और यहाँ पर बाजुओं में बांधने के लिए, हाथ पे भी बांधने के लिए। और कहते कि तू ये करते रहना, एक बार इसको 21 दिन तू घर पे रहना है, तूने बाहर नहीं जाना, तूने 21 दिन घर पे रहना है, ये पीले की जो मैं हमने जो तवीत दी है किसी को मतलब चेहरा नहीं दिखाना, तूने यही रहना है। तो शाम को बस तू मेरे पास आ जाया करना, मैं तेरे झाड़ा डाल दिया करूँगा और तू घर पे वापस चल जाया करना। तो यही हम लोग फिर गांव में रहे 21-20 दिन, वहां पर ही बड़ी दिक्कत परेशानी। मैंने पापा को कहा, मैं पापा मैं नहीं बचूंगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे मौत ही दिख रही है, मैं ठीक नहीं हो रहा। सो फिर हमारे घर के पास एक प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो वो मुझे पहले तो पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह है। वो कहते कि हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में हम आपको लेकर जाएंगे तो आप वहां पर ठीक हो जाओगे। अच्छा, आपकी गली में जो रहते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो हमारी गली में रहते हैं, तो उनका नाम अमर सिंह है, तो वो रहते हैं। तो वो भैया कहते कि आप मंगी को चर्च में लेकर जाओ तो ये चर्च में ठीक हो जाएगा। तो मम्मी कहते कि हम लोगों ने तो इतना सारा मतलब बहुत सारे हम लोग जगहों पर जाए तो भी ये, हाँ पूजा पाठ बहुत सारा करते हैं, तो हम लोग मतलब ये अब क्या करें, हम लोग भी हमारा लड़का कैसे बचेगा। तो भाभी होते थे, भाभी के पास मेरी मम्मी जब मतलब शाम को घास लेने जाते थे तो रोती होती थी कि हमारे एक लौता बेटा है ये मर जाएगा तो हम अपना सामान किसको देंगे, हमारी जमीन जायदाद किसको देंगे। आपको बताया था? हाँ जी हाँ जी, वो वाली भाभी। हाँ जी हाँ जी, वो वाले भाभी। तो वो कहते कि आप चिंता मत कीजिए, तो ये भैया है, ये मांगी के भैया है, इनको भी यही दिक्कत। फिर आपको आपको तेरे को चर्च लेके आए? हाँ, कौन जी, कौन लेके आया था? मुझे चर्च लेकर आए थे अमर सिंह। नहीं, तेरे घर के लोग? पापा लेकर आए थे मुझे। पापा? हाँ जी जी, पापा लेकर आए थे। सो मुझे पापा लेकर आए थे, तो मैं पीछे चर्च के इधर गेट है इधर अपने यही चर्च में। हाँ जी हाँ जी। सो इसे फिर चमत्कार चर्च में, हमारे चर्च में इसे लेकर आए थे। और फिर पीछे यहाँ गेट है अपने इसी चर्च के अंदर, तो मैं वहां पर खड़ा था, तो लास्ट प्रेयर हो रही थी। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि अभिषेक कर रहे हैं बिशप जी पास्टर जी, तो पहले तो मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है कि वो अभिषेक कर रहे थे। उस दिन वो अभिषेक कर रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पर पापा कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मौत है यहाँ पर, कुछ नहीं है मुझे, यहाँ पर तो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो घर पे चलते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा यहाँ पर कुछ नहीं होता। एकदम मेरी आंखें मिच गई और मेरे ऐसे करके ऐसे हाथ लगा, मैं दूर जाके गिरा। तो जब मैं मतलब मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी, मुझे बहुत परेशान करती थी, बहुत सारी मेरे को बीमारियां लेकर आई, बहुत सारी परेशान किया मुझे, बहुत सारा दुख दिया, बस मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे ले जाएंगी दुष्ट आत्मा, मैं बस मर जाऊंगा। नहीं, फिर जब चर्च में आप लेकर आए तो उसके बाद आप ठीक हो गए? उसके बाद में, हाँ जी हाँ जी, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ, तो पास्टर जी और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद में मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी, तो उसके बाद में बिल्कुल ठीक हूँ। कौन पास्टर जी ने प्रेयर की? विश्व अमरदीप ने। मैंने की? हाँ जी जी, आप लोग? हाँ जी जी, आपने ही प्रेयर की मेरे लिए। सो आपने ही मेरे लिए प्रेयर की, तो आप मैं फिर ठीक हो गया। उसके बाद में मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा में परेशान नहीं किया। अच्छा, तो आप कोई नशा भी करते थे क्या पहले? हाँ जी जी, मैं नशा वगैरह भी बहुत सारा करता था, जैसे बीड़ियां पीनी, जैसे सिगरेटें पीनी और दारू वगैरह पीनी। दारू भी पी लेता? हाँ जी। सो पोस्त वगैरह खाना, सो बहुत सारा ऐसे नशा। चोरी के घर वालों को पता है? घर वालों को तो नहीं पता, घर वालों को तो कम ही पता, रिश्तेदारों को पता था। शादी में कई बार थोड़ी बहुत लगा ली, थोड़ा बहुत पी लिया, लेकिन सिगरेटें तो मैं डेली की 7-8 डब्बी पी जाता था मैं। 7-8 डब्बी? हाँ जी, डेली की मैं सिगरेटें 7-8 डब्बी पी जाता था। तो चर्च में आने के बाद? उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत फिर मैं वो खैनी लगाता था, वो फिर धीरे धीरे छूटी मेरी, धीरे धीरे मैंने छोड़ी। तो उसके बाद में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारना शुरू किया भी, प्रभु यीशु मसीह जी आप मेरे जीवन को बदलें। तो आपने पवित्र आत्मा पाया फिर? हाँ जी हाँ जी, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैंने अन्य भाषा पाया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मुझे दर्शन भी दिए
और परमेश्वर ने मुझसे बात भी की। बहुत सारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे इस मौत के जीवन से बचाया। उसके बाद आप ठीक हो? उसके तो इतने लंबे समय हो गया, उसके बाद दुष्टात्मा नहीं आई और अब ये परमेश्वर मसीह की सेवा करते हैं, चर्च में सेवकाई करते हैं और परमेश्वर मसीह के नाम से ये ठीक हैं। एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, हाँ जी, कि बीच में कोई गड़बड़ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, गड़बड़ हो गई थी कुछ। हाँ जी, तो वो क्या गड़बड़ हो गई थी? सो वो गड़बड़ हो गई थी कि हमारे घर के पास एक पास्टर था। आपके घर के पास पास्टर थे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने उसके पास धीरे धीरे स्टार्ट किया। एक बार मैं गली से जा रहा था तो वो कहते आ जाओ मंगीलाल जी। मैंने कहा नहीं सर बस थैंक यू। कहते नहीं आओ तो सर। फिर उसने मुझे चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह खवाए। सो मैं उसके पास धीरे धीरे जाने लगा। तो उसके बाद में मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा तो मेरे अंदर दुष्टात्मा आ गई। मैंने कहा ये क्या बात होगी, दोबारा से फिर से दुष्टात्मा? दुष्टात्मा वापस कैसे आ सकती है? मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ, मैं अन्य अन्य भाषा पाया हुआ, मेरे अंदर दुष्टात्मा कैसे आ सकती है? वो पास्टर तो कहता तेरे अंदर तो दुष्टात्मा है। और वो कहता कि बिशप अमरदीप ने जब बपतिस्मा दिया था तो उसके साथ ही दुष्टात्मा को भी बपतिस्मा दिया। अच्छा, तो वो मतलब ये कह रहा था कि जब मैंने आपको बपतिस्मा दिया तो जो दुष्टात्मा आपके अंदर थी उसने भी बपतिस्मा ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुष्टात्मा तो गई ना हुई, इसका मतलब हाँ ये हुआ। वो कहता दुष्टात्मा गई नहीं है, कहता मैं अभी बुला लेता हूँ। तो उसने मेरे अंदर दुष्टात्मा बुला ली। अब मुझे नहीं पता उसने कैसे बुलाई, उसने मेरे अंदर दुष्टात्मा बुला ली। फिर उसने मेरे घर वालों को भी बुला लिया, कहते तुम लोग कौन सी चर्च में जाते हो? कहते हम लोग तो उस चर्च में जाते हैं, बिशप अमरदीप की चर्च है। तो ये सो हम अमर होरो के लेकर गए थे यही। तो उनको भी बुला लिया, कहते ये देख लो इसके अंदर तो दुष्टात्मा है, उस पास्टर ने दिखाई मेरे अंदर दुष्टात्मा। तो फिर मैंने इस चर्च का कॉन्टैक्ट बंद कर दिया एक बार। तो फिर वो पास्टर, मैंने सुना था कि उसने कहा था कि ये सिम तोड़ दो, मोबाइल की सिम तोड़ दो। हाँ जी जी, वो कहता कि तू फोन बंद कर दे, अपना मोबाइल से सिम निकाल दे, अगर तू सिम नहीं तोड़ेगा तो दुष्ट आत्मा तेरे अंदर वापस आ जाएगी। अच्छा, तो ऐसी भी बातें कई होती हैं। उसने सिम कहा कि सिम निकाल दे और सिम को निकाल कर फोन में से निकाल के फेंक दे या तोड़ दे। हाँ जी, हाँ, तो इसको तोड़ दे। तो असल में उसके मन में ये होगी कि कहीं ये चर्च में फोन ना कर ले या चर्च वालों का फोन ना आ जाए इसको, तो इसलिए उसने ये सिम जो है वो की होगी, तड़वा दी होगी ना। और सिम तोड़ने के बाद भी फिर वही रहा दुष्टात्मा? हाँ, फिर भी वही रही दुष्टात्मा वगैरह। तो फिर मैं उसके पास धीरे धीरे जाता रहा। तो मेरे मम्मी पापा कहते निकाल भी तू दुष्टात्मा इसमें से। कहते मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं निकाल सकता इसको। वही उसने ही, बिशप अमरदीप ने ही इसको दुष्टात्मा को बपतिस्मा दिया हुआ, उसके साथ ही मांगी के, तो वही निकालेगा इसका इलाज, वही करेगा। सो मैं बहुत परेशान। मैंने कहा मैंने तो मसा ही प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाई थी, छुटकारा पाया था, तो चंगाई पाई थी। फिर मुझे याद है कि तेरी मम्मी तुझे लेकर आई थी यहाँ पर? मम्मी ही मुझे लेकर आई थी ऐसे उठाकर हाथों में। तो यहाँ पर लेकर आई मम्मी, तो आप लोग प्रेयर कर रहे थे तो आप लोगों ने पहचाना नहीं भी कौन है। तो इसकी मम्मी जब लेकर आई इसको लेकर आई तो ऐसे हाथों में ऐसे उठाया हुआ था, ऐसे इसको चर्च में ऐसे लिटा दिया। तो मैं देख रहा हूँ और मैं देख कर कहता हूँ भी ये मंगीलाल तो नहीं है। तो इतना मतलब इसका बुरा हाल हो रखा था, पूरी तरह से ये सूख गया और चेहरा और सब कुछ। मैंने कहा मंगीलाल तो नहीं है। तो इसकी मम्मी इसको ऐसे लिटा कर मेरे आगे और रोने लगी, कहती भी इसको मंगीलाल को बचा लो नहीं तो ये मर जाएगा। तो वो रो रही है, इसको तो इतनी सुधी नहीं थी और वो रो, इसकी माँ रो रही है भी इसको बचाओ, कैसे भी करके इसको बचाओ। मैंने कहा क्या हुआ, हम तो इसको फ़ोन कर रहे हैं और कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो फिर इन्होंने बताया कि वो तो सिम तड़वा दी गई थी मेरी। और फिर हम लोगों ने प्रार्थना की, फिर मैंने प्रार्थना की और फिर ठीक हो गया। प्रार्थना की जब उसके बाद में फिर मैं ठीक हो गया था, परमेश्वर ने फिर मुझे चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया दोबारा से। मैं ऐसे दूसरे पास्टरों के चक्करों में फंस गया था। तो फिर मैं, मेरी मम्मी मुझे इस चर्च में लेकर आई, तो फिर आप लोगों ने प्रार्थना की, तो फिर मैं उसके द्वारा फिर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। सो so,
परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर मसीह ने इसके जीवन में काम किया। प्रभु महान परमेश्वर हैं और वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और कैसे एक लड़के को दुष्ट आत्मा ने, जवान लड़के को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और ये मौत के मुंह में था और परमेश्वर ने इसे उस मौत के मुंह से निकाला। सो ये है चर्च की असलियत। जो लोग चर्च में आते हैं और चर्च में आकर परमेश्वर मसीह से वो चंगाई को पाते हैं, परमेश्वर मसीह से छुटकारा पाते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। ओके।